अगर आज चुनाव हो तो यूपी में फिर बन सकती है भाजपा की सरकार। 48% वोट पाकर भाजपा बना सकती है सबसे बड़ी पार्टी। 31% लोगों की राय में समाजवादी दूसरे नंबर पर। रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाई गई रोक। चुनाव आयोग की बैठक में हुआ फैसला। चुनावी सभा में 500 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 10 लोग हो सकेंगे शामिल। आजम खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। चुनाव में शामिल होने के लिए एससी से लगाई अंतरिम जमानत याचिका। जांच में देरी और साजिश का लगाया आरोप। फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। पहले चरण के लिए भाजपा ने पश्चिमी यूपी में तेज किया चुनावी प्रचार। कैराना में अमित शाह ने तो बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला मोर्चा।